नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए कक्षा आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 का टाइम टेबल है वो लेके आ गए हूं, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग या फिर निदेशालय बीकानेर के द्वारा आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया। लंबे समय से हमारे स्कूल साथी आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 के टाइम टेबल का वो इंतजार कर रहे थे, तो आप सबका इंतजार वो खत्म हो गया है। तो चलिए टाइम टेबल की बात करते हैं कि कौन सी डेट को कौन से विषय की जो एग्जाम है वो कक्षा आठवीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों की होने वाली है। वीडियो के साथ आप बने रहे, पूरी जानकारी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लंबे समय के बाद हमारा इंतजार वो खत्म हो गया है, क्योंकि निदेशालय बीकानेर के द्वारा आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 का टाइम टेबल वो जारी कर दिया है। क्योंकि हमारे काफी सारे ऐसे साथी जो बार बार हमें कमेंट भी किया है कि सर आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 का टाइम टेबल है कब तक जारी होने वाला है, क्योंकि होम जो कक्षाएं उनका भी टाइम टेबल जारी हो गया है, इसके अलावा टेंथ और ट्वेल्थ जो बोर्ड कक्षाएं उनका भी टाइम टेबल जारी हो गया, लेकिन ये आठवीं वाला क्या मामला है। तो मैं हर बार आपको यही कहता था कि जैसे विभाग के द्वारा अपडेट आएगा तो इसके बारे में हम जानकारी दे दूंगा। तो चलिए अपडेट लेके आ गए और बात करते हैं यहां पे आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 के टाइम टेबल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो परीक्षा है कब से लेके कब तक आयोजित होने वाली है। तो दोस्तों ये जो परीक्षा है 6 मई 2021 से लेके 25 मई 2021 के बीच में आयोजित होने वाली है। टाइम थोड़ा लंबा है क्योंकि सब्जेक्ट 6 ही हैं और बीच में काफी अवकाश है विद्यार्थी हित को रख के दिया है। यहां पर त्योहारों का मौसम भी चल रहे हैं आपको पता है, तो काफी सारे त्योहार है वो भी बीच में आ जाएंगे, तो परीक्षा पूरे मई मंथ में है वो चलने वाली है। चलिए सबसे पहले टाइमिंग की बात करते हैं कि जो समय है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों ये जो समय रहेगा विद्यार्थियों के लिए वो दोपहर 2 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक है वो रहने वाला है। इस बीच में विद्यार्थियों की एग्जाम वो होने वाली है। चलिए एक एक सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं। दोस्तों यहां पर पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी डेट को कौन से विषय का एग्जाम होने वाला है, इसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको टाइम टेबल डाउनलोड करना है तो वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के साथ वो आप बने रहे। दोस्तों सबसे पहले 6 मई 2021 को अंग्रेजी का जो एग्जाम है वो होने वाला है, इसके बाद 11 मई 2021 को हिंदी का जो एग्जाम है वो होने वाला है, इसके बाद 15 मई 2021 को गणित का एग्जाम होने वाला है, इसके बाद 19 मई 2021 को विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, इसके बाद 22 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, और इसके बाद 25 मई को जो तृतीय भाषा है थर्ड लैंग्वेज है जिनमें संस्कृत है, गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू है, संबंधित जो भी स्टूडेंट के जो भी भाषा ली गई है थर्ड लैंग्वेज उसकी जो एग्जाम है वो 25 मई 2011 को होने वाली है। तो टाइम टेबल का जो शेड्यूल तो ये है दोस्तों, यानी जो एग्जाम है वो 6 मई से शुरू होके 25 मई को है वो समाप्त हो जाएगी और बीच बीच में अवकाश है वो दिए गए। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो एग्जाम है एक निश्चित समय में होगी, तो आप अपने संबंधी जो अपने विद्यार्थी हैं उनको गाइड भी आप कर दीजिएगा। अगर वीडियो अभिभावक देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चे को वो गाइड कर दीजिएगा कि आपकी जो एग्जाम है इस बीच में होने वाली है। दोस्तों कक्षा आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर हमारे साथियों कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो इस वीडियो में मैं आगे आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसके जो प्रवेश पत्र आपको से जारी हो जाएंगे। दोस्तों देखिए फिलहाल यहाँ पे टाइम टेबल है वही जारी किया गया है और फिलहाल यहाँ पे आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 के फोरम विभाग के द्वारा भरवाए भी जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये परीक्षा शुरू होगी तब तक बोर्ड फोरम वो भरवाया जाएगा और विभाग के द्वारा डेट है वो भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन खैर वो बात तो अलग है, बात करते हैं अपन प्रवेश पत्र की या एडमिट कार्ड की। तो जैसे ही बोर्ड फोरम भरने समाप्त हो जाएंगे और जैसे ही परीक्षा के दिन नजदीक आ जाएंगे तो उससे 5-7 दिन पहले है जो अपने जो पीएसपी जो पोर्टल है और जो गवर्नमेंट विद्यालय का जो पोर्टल है शाला दर्पण पोर्टल पर ही विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएंगे। आपको वहां से डाउनलोड करना है, अपने विद्यालय की साइन मोहर लगा के विद्यार्थियों को आपको यहां पे वितरित करना है। अब देखिए दोस्तों यहां पे कुछ बातें हैं हमारे स्कूल साथियों की भी है, अभिभावक की है। जैसे कि आप सभी को पता है कि दोस्तों जैसे कि आज 31 मार्च 2021 है, तो ऐसे में यहाँ पे अपने राजस्थान सरकार के जो अपने भी जितने भी मंत्रीगण है उनकी बैठक हुई थी और बैठक में बड़ा फैसला लिया, क्योंकि जो कोरोना
कोरोना की महामारी है वो लगातार ही बढ़ रही है और बढ़ने के कारण भी यहाँ पर कुछ लॉकडाउन लगने की संभावना बन रही है। और यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा ये भी कह दिया है कि जो ये जो अधिकार है अपने संबंधित जो जिला कलेक्टर हैं उनको प्रदान कर दिया गया है कि जो जिला कलेक्टर हैं वो अपने ही स्तर पे अपने जिले की जो पूरी जानकारी रखे वहां पे अपना जो कर्फ्यू है वो लगा सकता है, चाहे तो जितने भी विद्यालय हैं उनको भी वो बंद कर सकता है, जो पब्लिक प्लेस है उनको भी बंद कर सकता है, लेकिन अपने जिले की स्थिति के अनुसार। यदि कोरोना के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वो बंद कर सकता है। बस इसी को लेकर ही अपने जो अभिभावक हैं, विद्यार्थी, स्कूल साथियों के काफी सारे सवाल है वो खड़े हो गए हैं कि आखिरकार आठवीं की जो परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल की अगर स्थिति देखा जाए तो मुझे तो इसके चांस है वो कम ही लग रहे हैं। अगर नॉर्मल स्थिति हो जाती तो जो एग्जाम है वो 100% होगी, लेकिन जिस तरह से कक्षा एक से लेकर पांच तक के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है तो ऐसे में देखने को तो मुझे ये लग रहा है कि यार हो सकता है कि शायद आगे जाके शिक्षा विभाग का क्या पता नहीं क्या मानस है वो बन जाए और एग्जाम वो पोस्टपोन कर दे और बिना परीक्षा के पिछले साल की तरह विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में वो प्रमोट कर दे। तो ये तो यार आगे की बात है, इसके बारे में तो फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं कह सकता जब तक भी यह गाइडलाइन नहीं आ जाती है विभाग के द्वारा। लेकिन आप सबको तैयारी करनी है उसी हिसाब से जिस हिसाब से बोर्ड की परीक्षाएं होती है। आपको मानना है कि 6 मई से विद्यार्थियों की परीक्षा वो होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल तो ऐसी कोई बातें नहीं है। अगर विभाग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया देखिए इस बारे में फिलहाल मैं आपको कोई भी जानकारी है वो नहीं दे सकता कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। स्थिति कुछ गंभीर बन रही है, दिनों दिन संख्या है वो कोरोना जो पेशेंट है भैया उनकी बढ़ रही है, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अगर दूसरे राज्यों की मैं बात करूं तो भैया दूसरे राज्यों के अंदर है विद्यालय वो लगातार बंद करने की सिचुएशन में आ गए हैं, वहां की राज्य सरकार के द्वारा घोषणाएं भी करती जा रही है और पब्लिक जो प्लेस है भैया उनको भी बंद करने की घोषणाएं की जा रही है। तो अपने राजस्थान का मामला भी कुछ अटपटा सा हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा या प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 को लेकर बड़ा फैसला कर लिया और बड़ा फैसला ये किया गया है कि इस बार जो प्रायोगिक परीक्षा है संबंधित विद्यालय के ही शिक्षक के द्वारा है वो ली जाएगी, दूसरे विद्यालय के शिक्षक हैं या गवर्नमेंट जो टीचर हैं वो परीक्षा लेने के लिए नहीं आएंगे। ये इतना बड़ा फैसला वो इसीलिए लिया गया है क्योंकि इस बार कोरोना की जो स्थिति है वो बढ़ रही है, कोरोना आगे नहीं बढ़े। तो ऐसे में ये इस तरह से जो नियम उपनियम है वो बना दिए जाते हैं विभाग के द्वारा, ऐसे फैसले हैं वो ले लिए जाते हैं। तो इस बारे में दोस्तों फिलहाल तो कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन आगे जैसे ही अपडेट आएगा आठवीं बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर तो जानकारी वो देता रहूंगा। इस वीडियो में मैंने टाइम टेबल के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको ये टाइम टेबल डाउनलोड करना तो आप कहां से डाउनलोड करोगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, कक्षा पांचवी और आठवीं बोर्ड का ऑप्शन या लिंक या मेनू आपको मिल जाएगा, उस सेक्शन में आपको ये संबंधित जो टाइम टेबल वो मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि मैंने जानकारी आपको सही दी है या नहीं दी है। जानकारी अगर सही दी है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट है वो भी कीजिएगा और बताना आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वो कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।